शहर में चेन स्नैचिंग, चोरी तथा मादक पदार्थ, अवैध लॉटरी की बिक्री सहित अन्य अपराधों पर काबू के लिए एसएसपी ने टाइगर जवानों को सक्रिय कर दिया है। उन्हें हिदायत दी गई है कि इसके लिए बुधवार को टाइगर जवानों की कार्यशाला की गई, जिसमें ग्रामीण एसपी डीएसपी ने टाइगर मोबाइल के जवानों को क्या करना है इसके बारे में बताया। फिलहाल दिन के उजाले में चेन छिनतई घटनाएं बढ़ गई हैं, रात में चोरी की घटनाएं हो रही है। एसएसपी ने बताया कि कई टाइगर जवानों ने अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ का काम संतोषजनक नहीं पाया गया है। ऐसे जवानों को एक्टिव रहने को कहा गया है। ये बात भी सच है कि अगर टाइगर जवान पूरी तरह से एक्टिव हो जाए तो चोरी और छिनतई के साथ साथ प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की घटनाओं में भारी कमी हो सकती है। एसएसपी ने बताया कि शहर के वैसे स्थान जहां पेट्रोलिंग की बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती, वहां टाइगर मोबाइल का इंतजाम कारगर हो सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ वाहनों के जीपीएस खराब है, उन्हें ठीक कराने का निर्देश दिया गया है। टाइगर जवान सकरी गलियों में भी जा सकते हैं। एसएसपी ने भी टाइगर जवानों को हिदायत दी है कि अगर उनके बीट क्षेत्र में किसी तरह का कोई अपराध होता है तो कार्रवाई होगी। एसएसपी ने धनबाद के लोगों से पुलिस को सहयोग करने की अपील की है। सुनिए क्या कहा एसएसपी ने। आज पुलिस लाइन में टाउन में बीते दिन में जो चिंताई का घटनाएं जो बढ़ रही है, इसके अलावा जो रात में जो चोरी का घटनाएं हो रहा है और टाउन में जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहा है, इसको रोकने के लिए टाइगर मोबाइल हमेशा रोड में रहते थे, काम अपना कर रहा था, तो कहीं ना कहीं टाइगर मोबाइल के काम में कुछ कुछ त्रुटियां था। ये लोग अपना काम को बढ़िया से समझ नहीं पा रहा था, उसी को लेके आज उन लोगों के लिए एक ओरिएंटेशन सेशन यहाँ पे करवा लिया है। इन लोगों को अपना काम और ड्यूटी के बारे में विस्तृत तरीके से ग्रामीण एसपी, ट्रैफिक डीएसपी, डीएसपी लो एंड ऑर्डर ये लोग सब दे दिया है। अभी ये लोग तो पिछले 6 महीने में जो भी काम किया है उसका अवलोकन किया गया, इसमें से कुछ लोगों के द्वारा अच्छा काम भी किया है। कुछ लोग छीन के भागने वाला को पकड़ा है, मोबाइल छीन के भागने वाला को पकड़ा है, बाइक चोर को पकड़ा है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा किसी तरीके की उपलब्धि नहीं दिया गया था। अब इन लोगों को अभी अगला 1 हफ्ता का टारगेट दे दिया है। अब हफ्ता में एक बार ज़रूर टाइगर मोबाइल का रिव्यू वरीय पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा और हफ्ता हफ्ता के लिए इन लोगों के अभी इनको लिए अलग अलग टारगेट भी निर्धारित करेंगे। ब्रीफिंग किया गया, कुछ कुछ गाड़ी में भी जीपीएस ख़राब है, जीपीएस ठीक करने का भी निर्देश दिया गया है। हमारा फोकस जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस एवं जो इलीगल एक्टिविटीज़, दारू गांजा बेचने वाला, जुआ, लॉटरी, रात में हो रहा चोरी, ये सब रोकने के लिए है। अगर टाइगर मोबाइल हमारा अच्छा से काम करेंगे तो ये सब ज़रूर हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। अब हमारा पूरा यकीन है कि इस ब्रीफिंग के बाद, इस ओरिएंटेशन सेशन के बाद इन लोगों को अपना काम के बारे में जानकारी मिला है, ये लोग अपना काम बहुत अच्छा से करेंगे। अभी हम लोग टाइगर मोबाइल का ही ब्रीफिंग अभी यहाँ पे किया है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया है। भी लोग सुबह 10 बजे से रात में 9 बजे तक रहता है और कभी कभी कुछ स्पेसिफिक टारगेट मिलने पर ये लोग 9 बजे के बाद भी काम करता है। अभी डे टू डे बेसिस पर इन लोगों का अपना काम कैसे करना है, इंटेलिजेंस कैसे कलेक्ट करना है, इंटेलिजेंस के आधार पर कैसे रेड्स ऑर्गेनाइज करना है, वो सब निर्देश अभी इन लोगों को दिया गया है। अब देखते हैं कि अगला कुछ दिन में इसका कुछ डिफरेंस हमको रोड में दिखने को मिलेगा। अभी टोटल 6 आदमी को हम लोग अभी रिवार्ड दिया गया है और यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा वर्दी जब पहन के आ रहा था तो अभी डीजीपी साहब का आदेश है हर जगह वर्दी में नेम प्लेट पहन के घूमना है। कुछ लोग नेम प्लेट नहीं पहना हुआ था, ऐसे कुछ लोगों को निंदन भी दे दिया। और पिछले बार ब्रीफिंग में हर टाइगर मोबाइल का जवान लोगों को ये निर्देश दिया था कि आपको एक छोटा रजिस्टर अपने पास में रखना है, उस रजिस्टर में उनके बीट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इंटेलिजेंस अवेलेबल है, वो सब लिखने का निर्देश दिया गया था। ये निर्देश इसमें बहुत आदमी नहीं किया गया था, ऐसे आदमी पर अभी एक निंदन का सजा भी दिया गया है। देखो वही है, देखो चिंता ही हमारा इधर उधर रात में भी दिन में भी कहीं ना कहीं हो रहा है, इसी को रोकने के लिए अभी हम लोग टाइगर मोबाइल को बुला के एक रीओरिएंटेशन का कार्यक्रम किया गया। अब देखो आने वाला कुछ दिन में इसमें कुछ तो सुधार नज़र में आएगा।